जब आप बहुत जल्दी में हो और कुछ झटपट बनाना हो, तो आज हम भी बहुत जल्दी में, चलिए कुछ हमको झटपट बनाना है, तो चलिए उसकी हम तैयारी आपको दिखाते हैं क्या क्या किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास बासमती चावल है, उसको हम 1.5 गिलास चावल ले लिए हैं, ग्लास से हम यहाँ नापे हैं। और यहाँ पे हम 4 आलू है जिसको काट लिए हैं, यहाँ हम पनीर है, पनीर ले लिए, पनीर मेरा घर का है, 1 टमाटर ले लिए हैं, और यहाँ पर हम 2 प्याज पहले से काट रखे हैं, और अब पनीर काटते हैं। और यहाँ हम 1 कच्चा मिर्च भी ले लिए हैं, हल्का तीता, बस 1 मिर्ची डाल देंगे। और मतलब जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, या आप कहीं जाने वाले और भूख भी जोरों की लगी हो, तो कुछ तो झटपट ही बनाना बनता है ना। तो देखिए हम यहाँ पे पहले से कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, और उसमें हम 6 चम्मच, करीब 6 से 7 चम्मच घी डाल दे रहे हैं। हम जो भी मतलब जो बनाने वाले हैं वो हम घी से ही बनाएंगे। और देखिए हम यहाँ पे खड़ा गरम मसाला, जीरा, खड़ा गरम मसाला, हम इलायची, 2 इलायची, 4 लौंग और थोड़ा दालचीनी ले लिए हैं, यहाँ पत्रस ले लिए हैं, सबको हम घी में डाल दिए हैं। और हम यहाँ पे अब थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं, और ये जो कच्चा मिर्ची काट के रखे हैं उसको भी डाल दे रहे हैं। अब सबको हम मसाला चटकने दे रहे हैं सारा, जब मसाला मेरा चटक जाएगा तो अब इसमें हम पहले आलू डालेंगे, आलू डाल करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो प्याज यहाँ काट के रखे हैं वह प्याज हम डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिए, थोड़ा फ्राई कीजिए, जैसा हमको दिखा मेरा आलू हो गया था, उसमें हम प्याज डाल दिए, और प्याज डाल करके अब इसको ढक दें। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर अब आप चले जाइए कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। इसमें सारा सब्जी डाल करके उसको थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए इसको हम ढक दे रहे हैं। चलिए अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं, मेरा टमाटर भी अब गल गया है। और अब इसमें हम 1/2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, और इसको भी डाल करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मसाला जब तक फ्राई हो रहा है तो हम इधर एक साइड कुकर चढ़ा देते हैं, और जितना मेरा चावल है उसका डबल हम इधर पानी डालेंगे, और इधर हम पानी भी गर्म होने के लिए डाल देंगे। मेरा चावल 3.5 गिलास है, इसलिए हम यहाँ पानी 3 गिलास डाल रहे हैं। अब इधर हम सब्जी भी देख लेते हैं, मेरा मसाला फ्राई हो गया है, और अब इसमें बाकी मसाला ऐड करते हैं। चम्मच हल्दी डाल दिए, इसको मिला ले रहे हैं अच्छी तरह से, और अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, और हल्का सा मिर्ची का पाउडर डाल दें। बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं यूज किए हैं क्योंकि, और अब बारी है इसमें पनीर डालने की, पनीर इसमें डाल देते हैं। जो हम चावल धो करके रखे हैं इसको डाल देते हैं, सारा चावल डाल करके इसको फ्राई कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा मतलब इसको फ्राई नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि सब आपस में मिक्स हो जाए, सब्जी और चावल सब आपस में मिक्स हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। और अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, और धनिया पत्ता भी डाल को मिला लेंगे। और इधर जो हम पानी चढ़ाए हैं वह भी अब मेरा यहाँ गर्म हो गया है, और इधर हम गैस बंद कर दिए हैं, और देखिए मेरा पानी भी यहाँ गर्म हो गया है। और अब इसमें हम सारा चावल और सब्जी जो भी फ्राई करके रखे हैं वो डाल देते हैं। मतलब ये बहुत जल्दी बनने वाला है,
मतलब आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। और सारा चावल इसमें हम डाल देते हैं, मतलब अच्छा रहता है। पहले से पानी अगर आपका गर्म है ना तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सब चावल में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाने का है। और यहाँ पर हम एक चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं और ऊपर से एक चम्मच इसमें हम घी डाल दे रहे हैं। और हम इसमें स्वाद अनुसार 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक पहले सब्जी में नहीं डाले थे, इसलिए अभी तो अच्छा से डालना ही है ताकि मतलब मिला लीजिए। और अब इसको हम पैक करें, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक सीटी आने तक ही रहने देंगे, उसके बाद फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब सीटी आने का इंतजार करते हैं। दिखाए और अब गैस यहाँ बंद कर देते हैं। और अब यहाँ मेरा प्रेशर कुकर से ये सारा गैस भी निकल गया है। और चलिए अब इसको खोलते हैं, इसका ढक्कन, और देखते हैं। वाओ, कितना लजीज लग रहा है देखने में। तो लीजिए, ये मेरा पूरी तरह से अब बन के कंप्लीट तैयार है डिलीशियस भेज राइस। तो चलिए अब बारी है इसको सर्व करने की। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक प्लेट ले लिए हैं और चिप्स तो पहले से तल ही रखे हैं। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, पता नहीं खाने में कितना सुंदर लगेगा, कितना टेस्टी लगेगा खाने में। सॉरी, वाओ, एक एक दाना इसका खिला खिला है। और देखिए, मतलब बस अब ये पूरी तरह से ये खाने के लिए अब तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं डाइनिंग टेबल पे। और देखिए यहाँ पे हम स्लाइस करके प्याज भी ले लिए हैं। और इसका टेस्ट कैसा लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस अब हम खाना खाते हैं, और बस अब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के बाद आपसे हम मिलते हैं। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा आज हम क्या खास करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, इसलिए मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बन के रहिएगा और बस अब 5 मिनट के बाद आपसे हम मिलते हैं। तो हम अपना खाना फिनिश कर लें। मेरा देखिए 5 मिनट पूरा हो गया। और ये रहा मेरा आज का लुक। सावन का तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ हमको जाना है। आपको मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बन के रहिए और देखिए हम कहाँ जाते हैं। तो चलते हैं, आइए। देखिए जहाँ हम लोगों को आना है हमने पहुँच गया है। चलिए अब अंदर चलते हैं। आप मम्मी मेरे साथ में आई है, तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं हमारी फ्रेंड से। हम अपनी फ्रेंड के यहाँ आए हुए हैं। तो
चलिए मेरे फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। कितना नंबर में है? B3 ना, तो चलिए B3 खोजते हैं कहाँ पे है। देखिए बस हमको यहीं पे आना था, हम आ गए हैं। और चलिए अंदर चलते हैं। होममेड है और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। बिल्कुल नहीं, गंदा बात नहीं सुनिए बेटा। अरे आया बाय करो, देख रहे हैं ये बाय बाय कर दो। कितना लाइट है देखो, ये सब ओरिजिनल लाइट।